रीर बनो जथा वाली ऊन यो सारा कपड़ो ते जे धात साफ चमके ते प्री सुतन नवे ते भात बड़े ते कनर साग बड़े चचरू बरबरू जथा वाली ऊन। ये तो बहुत बड़ा अत्याचार हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, समझ में नहीं आया जाऊं कहां। जथा वाली ऊन साफ चपे मां अपन सिच्चा तर खोल खोल अपन शून्य सने साफ करी रे वा अब भी ऊन नहीं हो घंटा भर। मेरी प्री भी मेरी पूरी हेल्प कर रही है। ये देखो भाई क्या जमाना आ गया है, पति कर रहे पत्नी कर रही है पति पे अत्याचार, दिए इतने सारे कपड़े धोने को। जरा ये थी वाला ज्यादा नहीं है, ये थी वाला क्या ज्यादा नहीं, अगर तभी भी जरा टाइम जरा तू किचन मंगा तो कमल कुमार सारे बर्तन लेके आ जाओ, सारे अपने पुराने खानदान वाले कपड़े भी बाहर लाओ के भी लेके आओ। ये बात सही है कि या नहीं है? नहीं है। सही नहीं है ना? हमारी प्रिसु बिल्कुल सच बोलती है। ये नमा कपड़ा धुए धुए था मेरे बुढ़े वे मम्मी पापा से बोल रही है कि कपड़े धो कपड़े, ये बात सही है कि गलत है? ये कपड़े किसको धोने चाहिए, मम्मी को कि पापा को? हम तीनों को। तीनों को बल। तो यहाँ पे देखो भाई आग जली हुई है मस्त, चूल्हे में पानी गर्म कर रहे हैं। तो ऐसे पहाड़ों में इस तरह से पानी गर्म किया जाता है पतीले पे, तो शहरों में तो गीजर होता है लेकिन पहाड़ों में कहाँ गीजर मिलेगा, ऐसे ही बड़े बर्तन पे पानी गर्म करना है। हाँ तो यहाँ पे अभी सासू जी धो रही हैं बर्तन, और आज संडे है तो ये लोग फुल संडे का एंजॉय कर रहे हैं भाई। लाइट वाला कोई फिक्स है ना? हाँ आज का आज आज का संडे तो क्या, वैसे भी आजकल पूरे दिन लाइट है ही नहीं, कभी भी नहीं है। तो अभी मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ पिंकी लोगों के घर से। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, मेरा नाम है आसमानी की, आप सभी का स्वागत है मेरे खूबसूरत से पहाड़ों में। तो मैं जा रही हूँ अभी ढुंगसानी। क्या बोल रहे हैं प्रिशु? बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, किस बात का बुरा? अच्छा तो मैं जा रही हूँ अभी ढुंगसानी। तो आज पिंकी पंकज सभी लोग घर में है क्योंकि आज संडे है, तो लास्ट संडे के दिन ये लोग घर में रहते हैं कपड़े धोने के लिए। पानी गर्म कर रही हैं, यहाँ पे सासू जी खौड़ सूर रही हैं। लो तू तो ये पिंकी भी आज मेरे साथ ढुंगसानी आ रही है बल। पिंकी सिरणी दथेड़ी लगा के दोस्तों जा तो रही हूँ, पर मुझे नहीं लग रहा कि मैं कर पाऊंगी, बहुत टाइम से नहीं करा, इतनी सी भारी लाऊंगी, ज्यादा नहीं है मेरा बस का। तो ये भी मेरे साथ आज ढुंगसानी आ रही है सूखी घास के लिए, माना आ गया है सास ला रही है बहुओं के लिए चाय के गिलास। तो यहाँ पे अभी सासू जी गर्मा गर्म चाय बना के ले आए हैं, चाय बनो चाय बनो चाय बनो चाय चाय तो पीते हैं हम थोड़ा सा चाय। ये देखो मस्त हम आगे हैं आधे रास्ते में, यहाँ पे रोड पे जा रहे हैं और मस्त सी खिल खिलाती हुई धूप आ गई है बहुत ही अच्छी वाली, और आजकल ना दो तीन दिन से बारिश हो रही थी तो धूप सेकने का भी मन कर रहा है। और आज पिंकी भी ब्लॉगिंग कर रही है, आज संडे है ना तो इसका चैनल बिल्कुल वीडियो ही नहीं बनाती है, तो कभी कभी बनानी चाहिए। जी भाई दोनों ने कैमरा तान रखा है एक इंसान पे। ये पहाड़ माँ जडुवे गई द्विचारे दिनोक भागी भाबरे जयोला। चुके हैं हम ढुंगसानी अपने इन प्यारे से खेतों में, और यहाँ पे ना मैंने पिछला जब सूखी घास काटते हैं इन खेतों से घास काट के इस वाले पेड़ पे लगाया था, तो आजकल देखो ये ठंडी के टाइम पे बारिश में काम आ गई है। तो पिंकी ले जा रही है इस पे से एक भारा अपने लिए, तो मैं जाती हूँ फिलहाल इस पेड़ से न्यार नीचे डालती हूँ और भारा लगाती हूँ। यहाँ देखो दीदी जा रही है न्यार को भुआ डालने। इतना ही न्यार है, मेरे को लगा पता नहीं कितना सारा होगा। मैं सोचा तीन चार भारी होगी, पर या तो एक भारा भी मुश्किल से होगा।
चार बार है तुझे पता, जब मैंने लगाया था पेड़ पे तब चार बार हो रखा था कि पांच बार तो यहाँ पे अभी मैंने पिंकी के पास भारा लगा दिया है, लेकिन पिंकी की ना हालत खराब हो रही है भाई। कहाँ पैर इसके ऐसे हो रहे थर 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 थर। अरे का कहीं नहीं आ की कनी रोड मेरे पास एक नहीं बा। यखुन में जाऊं यखुन में जाऊं यखुन में यखुन में सी पुन तो फिर की ना यखुन में यहाँ से जाना ये बन गए ना। तबे बोल जमीन ये है ना बटिन जा अभी जाओ फरकम। ते उन्हें पिंदा पौना वे ते ब्योड़ा जब मुझे हॉल लगे ते पौना पुन वे ते पिंदा इसके पैर ऐसे हो रहे हैं थर 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 थर, क्योंकि कभी कभी जाना ना ऐसे ही होता है, आदत नहीं होती है ना जब, तो बोझा रखना मुश्किल होता है। जैसे हमको आदत है तो हमको कुछ नहीं होता है। तो अभी आप फतरा रहा हूँ पाल भी चल लेपड़ ढंग से जाए अत एक पुन ब्याह या तो इस तिरवाल तिरवाल जे मसू बटू दिखे ठीक चिता रे जाता। अभी दिन के 1:30 का टाइम हो चुका है और हमारा खाना बन गया है और आज मैं खाना यहीं पे खा रही हूँ। नेहा की मम्मी ने बनाया है खाना, चौंसा हरी सब्जी भात। और ये देखो भाई यहाँ पे यामिका के बच्चों ने सारे ना खाने में मुँह रख दिया। इनके ऊपर देखो भात ही भात, क्योंकि इनको दिया था यहाँ पे खाने के लिए, तो ये आ रहे हैं सीधे यहाँ पे खाने के लिए। यहाँ पे बैठ के हैं शांतनु भैया। तो भैया कैसा हो रहा है खाना? बहुत स्वादिष्ट चौंसा चौंसा भुजी बहुत बढ़िया। आपने आपने यहाँ भी खाया कभी चौंसा? नहीं खाया हो? नहीं यहीं खाया पहली बार। तो अभी भैया ने चौंसा पहली बार खाया है बल आज, तो हम भी खाते हैं। और मौसम देखिए ना, तभी धूप तभी बादल। और ये यामिका के बच्चे हमको खाने भी नहीं दे रहे हैं, ये देखो ये तो सीधे खाने में मुंह रख रहे हैं। ये इनके बर्मन में देखो बर्फ जम रही है इसके मुंह इसके सर में बर्फ जम रही है। तो यहाँ पे आज नेहा और ऋषि भी आ रहे हैं इधर ही कण उन बात मस्त। ये भी संडे का एंजॉय ले रहे हैं ना। ये 5:30 का टाइम हो गया है और अभी हम घर जाने लगे हैं। तो यहाँ पे अभी रेखा दीदी और रेखा दीदी के बैल भी आज यहाँ से घर की तरफ जाने लगे हैं। पीठ पे इसने बांझ और न्यार रखा हुआ है, क्योंकि अब ना यहाँ तो हल लगा लिया है इन खेतों में, ऊपर ढुंगसानी वाले खेतों, अब फाफंज में लगाना है हल, तो इसलिए बैलों को घर ले जा रहे हैं। बाकी ना हल्की हल्की धूप है, धूप तो चली गई है उधर उन पेड़ों के पीछे। और यहाँ पे अभी मेरे पास भी ना न्यार और बांझ का भारा है, तो इसलिए अभी मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊंगी, तो सीधे मैं जाके गौशाला में बनाऊंगी।